हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मायरा लाइफ जर्नी व्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं और एक वीडियो के साथ आपके साथ प्रेजेंट हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। फ्रेंड्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेने के समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन जानकारी रखना और लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ बातें हमें समझ में आती है, कुछ बातें समझ नहीं पाती। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक दुकान में जाते हैं तो वह बहुत सी बातें हमसे छुपाते हैं, क्योंकि वारंटी उसकी रहती है, तो इसलिए वह वारंटी पर जोर देते हैं। और हमको लगता है कि हमको उन बातों के ओर ध्यान न देते हुए हम लुक पर और पैसों की बचत करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ लेने से पहले उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी होना और किस बात में, किस वस्तु के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और वह वस्तु लाने से पहले हम उस वस्तु को कितना महत्व देते हैं और हमारे जीवन का वह कितना बड़ा भाग होने वाली है या महत्वपूर्ण होने वाली है, यह बात भी हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन सी चीज़ मैंने ली है और किस टॉपिक पर मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने लिया है OTG। तो OTG क्या होता है यह आप सब जानते हैं, फिर भी मैं बताऊंगी शॉर्ट फॉर्म में कि OTG मतलब आप उसमें ग्रिल कर सकते हैं, पका सकते हैं, बेक कर सकते हैं। पकाना मतलब बेकिंग करना होता है और आप ग्रिल भी कर सकते हैं, इसे कहते हैं OTG। ओवन में आप सिर्फ बेकिंग कर सकते हैं, माइक्रो ओवन में आप खाना पका सकते हैं, बेकिंग भी कर सकते हैं और ग्रिल भी कर सकते हैं। तो यह था तीनों में डिफरेंट। तो मैंने OTG लिया है। इसकी साइज़ होती है 20 लीटर, 18 लीटर, 22 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर, 35 लीटर। आपके जो फैमिली मेंबर होते हैं उनके हिसाब से आपको वह OTG चूज़ करना होता है। हालांकि कई कंपनियों में OTG आता है, जैसे फिलिप्स हो गया और क्रोमा हो गया, और भी बहुत सी कंपनियां हैं जिसमें OTG आता है। तो मैंने क्रोमा कंपनी का OTG लिया। इसमें मुझे मिली 2 साल की वारंटी। सभी जो भी अलग अलग कंपनी के OTG रहते हैं या माइक्रोवेव रहते हैं या ओवन रहते हैं, जैसे फिलिप्स का हो गया, IFB का हो गया और बहुत से अलग अलग कंपनियों के रह गए, उनकी उनमें वारंटी पीरियड जो रहता है वो 1 साल का रहता है, लेकिन क्रोमा में मुझे 2 साल का वारंटी पीरियड मिला। इसकी साइज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और इसका जो प्राइस था वह जो मेरा बजट था और जिस साइज़ में मुझे लेना था वह परफेक्ट हो रहा था, इसीलिए मैंने OTG प्रिफ़र किया, क्योंकि मैं बेकिंग ज़्यादा करना पसंद करती हूँ। आप क्या जो आप ध्यान में रखिए, जब भी आप OTG माइक्रोवेव और या ओवन लेना चाहते हैं तो आपका मतलब फोकस क्या है, आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहते हैं ओवन में आते हैं। तो यह सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने OTG डिसाइड किया, क्योंकि मुझे बेकिंग करना था और ग्रिल करना था, यही मेरा उद्देश्य था, तो इसीलिए मैंने OTG प्रिफर किया। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा है OTG। जो मैंने बताया कि क्रोमा का था और इसे भी लेकर 1-2 महीने हो चुके हैं। मैंने इसे टेस्ट किया, 2-3 बार केक बन चुका है, पैनकेक बन चुका है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसकी कैपेसिटी भी अच्छी है, 4 लोगों के लिए इनफ है, सफिशियंट है, ना ही ज़्यादा बड़ा है इसका साइज़, आप उसे कहाँ भी रख सकते हैं। तो इसका लुक भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा OTG, क्रोमा का है। यह है 25 लीटर का। तो यहाँ पे 3 फंक्शंस दिए हैं। पहले में है टेम्परेचर, दूसरे में है कौन से मोड पर आप जो भी बेक कर रहे हैं या ग्रिल कर रहे हैं कौन से मोड पर आपको रखना है, और तीसरा है टाइमर का। तो बेल बजती है और ऑन करने के बाद यहाँ पे एक रेड कलर का लाइट भी ऑन होता है, तो मैं इसे ऑन करके बताऊँगी आपको। और अभी देखिए यहाँ पर सब कुछ दिया है आपको, और अंदर का लुक देखिए ऐसा है। इसमें यह कपकेक ट्रे नहीं आया था, यह मैंने ऑर्डर करके मंगाया है। तो इसमें सिर्फ
यहाँ ट्रे आया था और जैसे मैंने ग्रिल का बताया आपको, ग्रिल करना है तो आप इसके द्वारा इसको इस साइड में ऐसा फिट करके आपको ग्रिल करना होता है। तो देखिए ऐसे इसको फिट करना पड़ता है इसे, और आप इसमें चिकन और पनीर वगैरह भून सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। और ये है इसका चिमटा पकड़ने का, और ये भी ट्रे निकलता है। तो इसकी कैपेसिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका लुक मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि अंदर में लाइट नहीं है, लेकिन लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ग्लास होने के कारण आपको दिख जाता है कि कितना बेक हुआ है, कच्चा है नहीं है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लाइट अंदर ना है या उसका कोई कॉन्स मुझे दिखाई नहीं देता है, मेरे लिए सफिशिएंट है। इसकी बॉडी बहुत अच्छी है, पूरा ब्लैक है, देख सकते हैं आप, मैंने कवर लगा कर रखा है, लेकिन पूरा दोनों तीनों साइड से ब्लैक है। और इधर का जो है पोर्शन आपको सिल्वर दिया है, और बटन का पोर्शन भी आपको सिल्वर दिया है। तो चलिए मैं आपको ऑन करके बताती हूँ। ये हो गया ऑन, और अगर आपको ये देख सकते हैं ये ऑन हो गया है, अभी बटन चालू हो गई है। तो इसमें ऐसे टिक 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 ऐसे आवाज़ आती है, हल्की सी आवाज़ आती है, ज़्यादा नॉइज़ नहीं होता है, ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है। तो इस तरह से आपको इसे टाइम लगाकर सेट करना होता है। टाइम लगाएंगे आप, टेम्परेचर वगैरह पूरा सेट करने के बाद ही यह ऑन होता है। तो अब ये चालू रहेगा कुछ देर के लिए। तो इस तरह मैंने क्रोमा का लिया, 2 साल की वारंटी है इसकी और 25 लीटर का है, मेरे लिए 4 लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो ज़रूर आपको अगर ट्राई करना है, लेना है, तो बहुत अच्छा है। कम स्पेस में आपको इजीली आपका जो OTG है वो बैठ जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आई होप कि आपको भी पसंद आएगा, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। यह भी ट्रे आइस के साथ आएगा, और जो मैंने चीज़ें बताई वो भी उसके साथ आएंगी। तो देखा फ्रेंड्स, यह था मेरा रिव्यू OTG का, जो मैंने क्रोमा का लिया। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।